सारे जलंधर वासियों अज काफ़ी देर बाद फेसबुक पर लाइव होके तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं। काफ़ी तुसी सारे जानकारी रखते हो इस गल की कि कोविड के केस कितना सारे दुनिया के हिंदुस्तान के और कुछ ना कुछ अपने सूबे के शहर के भी या अपने डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ रहे हैं। उदे च बार बार उही पुरानियां गल्लां करन दा इन्ना फायदा नहीं, पर फिर भी सिर्फ एक शॉर्टली मैं गल करना चाहुंदा कि एक मास्क छोटी जी चीज़ है जिन्ना कि डॉक्टर्स दसदे आ भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हुंदी है। तुसीं किसी तो इनफेक्शन लैण तो भी बचदे हो ते दिंदे भी नहीं हो। सिमिलरली जदों असीं सोशल गैदरिंग च सोशल डिस्टेंस नहीं रखदे वो इनफेक्शन फैलाउण दा एक तरीका हो जाता है। नैक्सट है अपनी परसनल हाइजीन कि तुसी हाथ धो, मूँह नूं हाथ ना लाओ, नक नूं ना लाओ, अखां नूं ना लाओ, एक माइंड नूं कमांड देने की लोड़ है। पुलिस का जो काम है वह इनफोर्समेंट का है और असी बेहद इनू स्ट्रिक्टली इनफोर्स किया क्योंकि साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब का ते डी जी साहब का भी यही ऑर्डरस ने कि इनू जीरो टॉलरेंस असी इस गल बारे रखीए क्योंकि लोगों की जान बचानी है, अपने समाज को बचाना है। ये सख्ती का मतलब यह है कि उन्होंने रोकना है जोड़े दूजे वास्ते खतरा पैदा कर रहे वायलेटर जोड़े है, जिमें तो आप देखते हैं बिना मास्क को घूम रहे हैं, स्पिटिंग कर रहे हैं पब्लिक प्लेस के और होम क्वारंटीन जोड़े रखे उन्होंने बंदे जंप कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे जो बैंड ने। हूँ पंजाब सरकार वालों पांच या उस बाद बंदियां दी गैदरिंग भी बिल्कुल बैन कर दिती है और शादी के जो लिमिट्स ने वो भी 30 बंदियां दे 30 बंदियां दे करते 50 तो घटा के। इस तरह क्रीमेशन वास्ते 20 बंदियां दा अलाउड है, वही कंटिन्यू किया जा रहा है। पर मेरी तुहानूं गुजारिश है तुसीं बहुत सहयोग दिता हमेशा साडा और जलंधर के लोग बहुत ज़्यादा कानून पसंद ने और सेंसिटिव ने हेल्थ प्रोटोकॉल वाल, पर साढ़े कुछ परसेंटेज लोग ऐसे है जिहड़े वायलेटर्स ने, उन्होंने वास्ते असी पूरी सख्ती की हुई है और करांगे। आंकड़े च मैं नहीं जाना पर बहुत ज़्यादा मास्क के चलान, स्पिटिंग के चलान, गड्डिया इंपाउंड कीतियां 2000 तो उपर, इन्ने फाइन कलैक्ट हो गए करोड़ों के। पर कारण यह है कि आपां इहनूं इह ना समझिए कि यह साढ़े उत्ते कोई थोपी जा रही है चीज़, ये चीज़ जी अपने बेनीफिट वास्ते है, तुहाडे परिवार के, अपने समाज के, अपने जिले के, अपने प्रांत वास्ते है, अपने देश वास्ते काम कर रहे हैं। आम अक्सर लोग समझते पता नहीं पुलिस क्यों साढ़े ते सख्ती कर रही है, क्योंकि बीमारी जी है यदा हूँ किसी को कोई इलाज नहीं है, जिस चीज़ का इलाज नहीं उन्होंने बचत रखनी वो वास्ते इलाज है। सो प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, आपां इहनूं प्रिवेंट कर सकते हैं एक दूजे तो डिस्टेंस रख के। और ये कदे कोई तुसीं नहीं समझ सकते कि ये मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है, कोई गारंटी नहीं भी वो भी इनफेक्टेड हो, या तुसीं इनफेक्टेड हो उन्हें दे दो। और अपने जिहड़े बजुर्ग माता पिता या बजुर्ग अपने फैमिली मैंबर ने घर छोटे बच्चे ने या कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स ने जिन्होंने प्रॉब्लम्स ने पहले ही किडनी की है होर है, उन्होंने बड़िया प्रोन ने जिन्हें इम्यूनिटी लो है, उन्होंने जाके आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरी तुहानूं गुजारिश है कि आप पहला भी ये जंग जीती और मिशन फतेह जो सीएम साहब ने नाम दिता है इस जंग के आप फतेह प्राप्त करने वास्ते तुहाडा सहयोग बहुत जरूरी है। पब्लिक की कम्यूनिटी की सहयोग तो बिना कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। हेल्थ डिपार्टमेंट का एक मेन काम है वो अपना काम कर रहे, सिविल डिपार्टमेंट भी उस गल नूं सारे कर रहे हैं, पुलिस अपना इनफोर्समेंट का काम कर रही है। सो आपां सारे रल मिल के इनू कम्यूनिटी नूं पार्टिसिपेट करके एक परिवार बन के, जिवें तुसीं हमेशा हरेक प्रॉब्लम साडा साथ दिता, मेरी तुहानूं गुजारिश है कि तुसीं इनू अपने मन च कमांड रहिए। कुछ महीनों की गल है या कुछ टाइम की गल है, आपां नूं अपनी जिहड़ा लाइफ स्टाइल है चेंज करना पएगा। ये जिहड़ियां पार्टीज़ ने ये जिहड़े गैदरिंग्स ने ये अपने वास्ते वड्डा खतरा है और आपां नूं बेहद इहो जिहे एग्जाम्पल है किन्नियां जानां इस गल करके चली गईआं, किसी की एक छोटी अणगहली किन्ने सारे परिवारां नूं अफैक्ट कर दिंदी है और
ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ।